हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज अपडेट, आज है 26 तारीख, 26 फरवरी 2019, और आज आईटीसी पे अपडेट लेके आया था। बहुत सारी क्यूरी आ रही थी कि सर, अगर आईटीसी पे अपडेट करें तो। आईटीसी आप सभी जानते हैं कि एक बड़ी कंपनी है, और अगर आईटीसी के बारे में बोलो तो इट इज ए होल्डिंग कंपनी विच इज एंगेज इन द मार्केटिंग ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर एफएमसीजी। द कंपनी ऑपरेट्स फोर सेगमेंट: एफएमसीजी, होटल्स, पेपर बोर्ड्स, पेपर पैकेजिंग एंड एग्री बिजनेस। शॉर्टकट में इसमें थोड़ा सा फास्ट भगाते हैं। अभी जो इसका चल रहा है 275 के आसपास चल रहा है, और डिविडेंड 1.85% देता है। सेल्स ग्रोथ जो थोड़ा सा कंसर्न है इसका, 3% है, 3.64%। डेप्ट इसके पास है नहीं, आप 17 करोड़ का सिर्फ डेप्ट देखेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छा है। कैश के पास एक चीज इसका दो कंसर्न है, एक प्राइस टू कैश फ्लो 26 टाइम्स, 30 टाइम, ये एक कंसर्न है। और पी रेशियो भी जो है इसका बहुत हाई है, 28 के आसपास चल रहा है। तो पी रेशियो और ये एक जो है 28.45 यहाँ पे, तो ये एक कंसर्न है। ये दो चीज़ इसका जो है इंडस्ट्री में, अगर अगर इसका पीयर का देखेंगे, अगर मैं इसके पीयर को देखने जाऊँ तो आप देखेंगे जहाँ पीयर में 19 है इसका, गोदरेज फिलिप्स का 19 है, वीएसटी का 22 है, गोल्ड 2 है, एनटीसी का 7 है, तो यहाँ वहाँ उसके जगह में इसका देखेंगे तो 28 है। तो एक ये कंसर्न है इसका थोड़ा सा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा है, पी रेशियो ज़्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बता ही दिया कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 22% है, और रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉय 34 है, बहुत अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 38.72% है, बहुत अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.73, बिलो 10 है, अच्छा है। ये सब चीज़ अच्छा है। और अगर मैं एक बार इसका आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन भी दिखा दूँ आपको, तो रिकमेंडेशन भी देख लेंगे। तो आप देखिए यहाँ 274 के, 315 के लिए एक्सिस ने रिकमेंड किया है, निर्मल बंग ने 310 के लिए किया है, सारे का ने 347 के लिए किया है, 383 के लिए एचडीएफसी सिक्योरिटी ने 23 जनवरी 2019 को किया है, और 300 के लिए किया है मोतीलाल ओसवाल ने 23 जनवरी को। तो आप देखेंगे सभी लोगों ने इसके लिए एक बाइक रिकमेंडेशन अच्छे के लिए किया, 343 से 350 के लिए। 100% वो खराब नहीं है और वो आएगा। और रिटर्न की बात कर लें तो 1 डे 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ YTD अभी तक इसका निगेटिव रिटर्न है -2.18%, लेकिन 1 ईयर 3.36%, 2 ईयर 3.37%, 3 ईयर्स देखेंगे तो 42% है, 4 ईयर में 4.51 हो गया। तो ओवरऑल देखें तो ITC एक थोड़ा 2-3 साल से थोड़ा एक कॉन्स्टेंट रिटर्न दे रहा है, बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, और अभी YTD में तो निगेटिव रिटर्न हो चुका है। तो ITC अभी कुछ न्यूज भी है इसके बारे में, तो आप देखेंगे अगर ITC के बारे में अभी रिसेंट न्यूज क्या है। ITC टू इन्वेस्ट 1700 करोड़ इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट प्लांट इन वेस्ट बंगाल, ये 7 फरवरी का न्यूज है इसका। और आनंद राठी ने बोला है बाय ITC टारगेट 352, आनंद राठी ने इसका 352 के लिए बाइंग के लिए रकम ने किया है। प्रभुदास लीलाधर ने 364 के लिए बाइंग के लिए ऑप्शन कहा है इसको। तो ITC में थोड़ा सा अभी तो थोड़ा निगेटिव चल रहा है, लेकिन ये एक अच्छा खासा है जहाँ पे, और 252 देखे, 52 एक लो है इसका, तो वहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है, और 322 का हाई भी बनाया है इसने। तो ITC लॉन्ग टर्म के लिए बाय है, हर डिप पे बाय करें, लेकिन अभी कोई जरूरी नहीं है कि तुरंत इमीडिएट बाय करना आपको। अगर मैं इसके वॉल्यूम को बता दूं तो वॉल्यूम देखेंगे इसके डिलीवरी परसेंटेज देखिए 69, 74, 52, 55, 40, तो मोर देन 40% तो डिलीवरी चल रहा है, लोग इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, पोजीशन में रख रहे हैं 374, 345, 350 के टारगेट के लिए, और 1 करोड़ का वॉल्यूम है। प्राइस पैटर्न देखें तो आप यहाँ पे ये एक कांस्टेंट, ये एक रेंज में बंधा हुआ है, आप देखेंगे तो ये एक रेंज में ही काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ से एक, ये पूरे एक रेंज में बंधा हुआ है ये, तो एक रेंज में बंधने के कारण ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो 282 से ऊपर नहीं जा रहा है, और नीचे की ओर जा रहा है, तो ये टू यहाँ पे जाकर के आपको 273 के आसपास, ये एक रेंज में बंधा हुआ, और जिस जिधर भी निकलेगा अच्छा खासा तोड़ के निकलेगा, लेकिन चांसेस क्या है कि नीचे जाने का ज़्यादा चांसेस है। क्यों हुआ ऐसा? तो एक तो आप ये देखेंगे कि ये देखिए जो ये आपको, मैं आपको एक इस बार तो सारे मूविंग एवरेज को हटाता हूँ एक बार आपको, और मैं एक बार दो ही मूविंग एवरेज रखता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि जो 21 दिन का मूविंग एवरेज है वो एक जो इसके लॉन्ग टर्म है इसका 200 का, उसके और तोड़ा हुआ है और नीचे की ओर जा रहा है। और दूसरा ये देखिए कि गैप जो है, एस्केलेशन देखिए, इस बीच का जो एस्केलेशन है वो गैप जो है वो बढ़ते जा रहा है, ये कंटिन्यू गैप जो है वो बढ़ते जा रहा है। और
और ये चीज़ को अगर वापस रिकन्फर्मेशन अगर आप चाहते हैं कि इसको रिकन्फर्म करें, तो इसको हम एक बार वापस जा करके अगर 1 month के चार्ट को देखें ना, तो आप देखिए कि क्या आपको खुद दिख जाएगा। ये देखिए कंटिन्यू एक रेड पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे एक नीचे की ओर जा रहा है, और यहाँ नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे मंथली चार्ट में भी देखेंगे, यहाँ हैमर इन्वर्टेड हैमर मारा है इसको, और ये उसके बाद निगेटिव बना रहा है। तो लग रहा है कि एक बार ये नीचे वापस अपने 250 के सपोर्ट पे जाके टेस्ट करेगा। किसी कारण से अगर 250 को छोड़ता है तो वापस ये 233, और अगर 233 छोड़ता है तो 200 के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। तो निगेटिव है, ऐसा लग रहा है कि ये वापस इसको 252 और नीचे 232 और वापस उसके बाद 196 आ रहा है, तो आप 200 समझ लीजिए। ये 3 लेवल को ये नीचे टेस्ट कर सकता है। आप ऐसा अगर वॉल्यूम वाइज भी दिखाऊं तो वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा स्मार्ट वॉल्यूम है नहीं। तो आप जैसे ये कंफर्म करें कि या आप देखिए, तो वॉल्यूम यहाँ पे कोई भी ऐसा 40% से डिलीवरी हो रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी बाइंग बहुत अच्छी बाइंग नहीं आई कि बहुत अच्छा फॉल हो चुका बाय कर ले, ऐसी कोई बाइंग भी नहीं आई है। तो वापस डेली बेसिस पे भी देखेंगे तो ये जो 250 के आसपास है, 250 यहाँ पे जो सपोर्ट है इस लेवल पे, तो एक अच्छा का अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा दूँ आपको एक बार, तो यहाँ पे ये लेवल पे 250 के आसपास 259 जो आ रहा है, यहाँ पे एक अच्छा खासा इसको सपोर्ट है। तो 250 के लेवल को हो सकता है कि ये टेस्ट करे, और अगर 250 के लेवल को टेस्ट करके छोड़ने रुकता नहीं है तो फिर ये आपको 223 के लेवल को, यहाँ पे आप देखिए ये 223 के लेवल पे इसको सपोर्ट है, तो ये यहाँ तक जाने का ट्राई कर सकते हैं। तो अगर इसको लोअर साइड ले लें तो 251 आता है, 251, तो आप 251 इधर ले लें और इसको 223, ये 2 लेवल को जा करके ये टेस्ट कर सकता है, जिसके चांसेस मोर देन 80% है। और दूसरा अगर मैं इसको और एक दूसरे एंगल से भी चेक करूँ, तो आप देखिए एक बार इसने क्या किया है, जो अपने फॉल हुआ है टॉप से जो फॉल हुआ है, तो एक बार इसने क्या किया, एक बार भी इसने अपने 50% एक बार इसने ट्राई किया है अपने 50% इसको, जब से फॉल हुआ एक बार इसने 60% को क्रॉस किया है, उसके बाद ये कंटिन्यू बिलो 50% है, और अब तो ये 38% भी टच नहीं करना चाहता है। अब ये कंटिन्यू यहाँ से इस पीरियड से देखें 1/10/2018 से, तो बिलो 38% रह रहा है, और अब जो जा करके रह रहा है वो 25% के आसपास जा करके कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और ये एक स्ट्रॉन्ग पिकअप फॉल दिखाने को तैयार है। तो मुझे लगता है कि ये वापस इस जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में शो हो रहा है, ये अब देखिए पहले ये जा करके 60 पे गया, 60 जब फॉल किया उसका 60% का रिट्रेसमेंट लिया, फिर वहाँ से जा करके 50% के रिट्रेसमेंट पे जाके खड़ा रहा, और उसके बाद फिर डाउनफॉल होकर के अभी 29% पे के नीचे गया, और अब जा करके ये अपने 25% के रिट्रेसमेंट पे जा करके खड़ा है। और अगर इसको फॉल करता है तो वापस अपने को टेस्ट करेगा नीचे वापस ओरिजिनल, और इस बार जो चांसेस है जो भी पैटर्न है इसमें, तो एक बार चांसेस है कि इसको बल्क से फोर्स करके नीचे की ओर लाएगा, और ये अपने 231 के लेवल को भी टेस्ट करेगा। तो एक बार लगता है 225-231 के लेवल को ये टेस्ट कर सकता है। तो इसमें अगर कोई पोजीशन बनाए, लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन जैसा आपको बताया मैंने 223, तो 223 के लेवल को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशन बनाए, जितना बाइंग करना है ये समझिए कि अगर 223 आएगा तो तब क्या करेंगे। अगर मैं आज 250 के आसपास मान लीजिए, यहाँ 250 पे मैं अगर जाता है और यहाँ पे 60-70 शेयर लेता हूँ, 100 शेयर लेता हूँ, तो वापस इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि 223 पे 200 ले लूँ, ताकि उसका एवरेज एडजस्ट हो जाए। अगर यहाँ 10 शेयर लेता हूँ तो यहाँ 20 शेयर ले लेता हूँ, तो इसके प्राइस को एवरेज करके ओवर ले आता हूँ। ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, 340 आपको साल भर के अंदर में हो सकता है ये टेस्ट करते हुए, देखिए तो बहुत ख़राब नहीं है। पहले तो 315 दिखेगा आपको, उसके बाद 320 और उसके बाद 340, ये देखते हुए आपको बहुत टाइम मिलेगा। ये देखिए 297 300 का टारगेट है, और उसके बाद ये 321, ये मैं कोई ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये यहाँ पे बता रहा है। इस लेवल को देखिए जो टच करेगा, ये रेजिस्टेंस है इसका, ये देखिए ये लेवल है, तो पहले ये लेवल को टच करेगा 300 के आसपास है जो, और फिर उसके बाद यहाँ से अगर क्रॉस करता है तो वो अपने दूसरे लेवल को यहाँ पे 322 को टेस्ट करेगा, और फिर इसके आगे जाता है तो 345 ओपन स्काई में जा सकते हैं, 345 की ओर जा सकते हैं। तो अच्छा स्क्रिप्ट है, सेल्स ग्रोथ कांस्टेंट है, पी रेशियो हाई है, तो ये दोनों को देख करके लगता है कि एक बार इसमें सेल आएगा
और सेल आते हुए ये नीचे की ओर जा सकता है। तो आईटीसी में एक बार निगेटिव ओपिनियन है, निगेटिव लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा निगेटिव है। और मंथली ट्रेंड को अगर आप देखेंगे तो आप खुद समझिएगा कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, देखिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी टाइप की बन रही है, आप खुद देख लीजिए। ये देखिए, ये रहा दिसंबर का, ये रहा जनवरी और ये रहा फरवरी। तो ये जो चल रहा है ये आपका कंटिन्यू निगेटिव की ओर ही जा रहा है, और अभी इलेक्शन भी है तो उसके चक्कर में वापस ये एक बार हो सकता है 223 के लेवल को टच करके दिखा दे आपको। दूसरा, क्रूड ऑयल में मैंने आपको बताया था कि एक थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी बन रही थी ऊपर की ओर जाने के लिए, बट अभी ये निगेटिव पैटर्न बनाया है और कल इसने अच्छा खासा तोड़ा है। तो क्रूड ऑयल में आपको हो सकता है कि 3850 पहला लेवल देखने को मिले, और अगर वहाँ से टूटता है तो हो सकता है कि ये फिर 3700 या 3750 तक जा सकता है। तो क्रूड ऑयल में भी थोड़ी नरमी दिख सकती है, फिर उसके बाद वो अप ले सकता है। तो अभी टाइमिंग, क्योंकि अभी देखेंगे इसमें भी ये भी क्या कर रहा है, कल के फॉल के बाद, ये क्रूड ऑयल का है डाटा, WTI क्रूड ऑयल इंडिया का, तो ये देखेंगे ये अपने 38% का रिट्रेसमेंट को नहीं कवर कर रहा है, उसके नीचे रह रहा है और वहाँ से अब ये थोड़ा सा रेड पैटर्न बना रहा है। तो हो सकता है कि ये वापस ये यहाँ पे लेवल को टच करेगा और 3958 पहले टच करेगा और उसके बाद वापस 3850 की ओर जाते हुए आपको दिखेगा, और इस लेवल को, इसको भी ब्रेक करने की पूरी कोशिश करेगा। तो क्रूड ऑयल में थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, हो सकता है कि क्रूड ऑयल 3850 की ओर जाते हुए दिखे आपको। ये सारे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो थे, इसमें कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन मेरा नहीं है और सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज़ से ये मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आईटीसी में अभी निगेटिव पैटर्न, निगेटिव व्यू है, मेरा ओपिनियन है निगेटिव है, लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म के लिए 340, शॉर्ट टर्म के लिए 223, ये दोनों ध्यान में रखते हुए आप जो भी अपने, लेकिन मार्केट में अगर कोई पोजीशन बनानी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।